नमस्ते जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं करूँगी पेंट और तो सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। मेरे पास था ये कॉटन का फैब्रिक, ये प्योर कॉटन है। मैं फ़र्स्ट टाइम पेंटिंग ट्राई कर रही थी तो जो मेरे पास अवेलेबल था घर पर मैं उसी से ही सब कुछ कर रही थी, उसी से ही पेंटिंग करूँगी। मेरे पास थे एक्रेलिक कलर, मेरे पास फैब्रिक पेंट्स नहीं थे तो मैंने इसी से ही पेंटिंग करना प्रेफर किया। मेरे पास है ये मीडियम जो कि कलर्स को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे पास ये कुछ थे फ्लैट ब्रशेज़ और राउंड ब्रशेज़, मैं सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ करके फैब्रिक पेंट करूँगी। तो पहले मैंने सूट की कटिंग कर ली थी और मैंने फ्रंट पल्ले को कट कर लिया था। अब बिना किसी फ्रेम और बिना किसी अड्डे के मैं इस पर पेंट करूँगी। मैंने एक रफली बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है और मैं फ्री हैंड ही पेंटिंग करूँगी क्योंकि एज अ बिगनर मुझे लग रहा है कि फ्री हैंड करना ज़्यादा ईजी होगा। उसके बाद मैंने एक हिबिस्कस ड्रॉ किया है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने सबसे पहले ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा था, मैंने इसका दुपट्टा ड्रॉ किया एज अ सैम्पल क्योंकि सैम्पल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कलर किस कपड़े पे किस पे सूट करेगा, इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं एक सैम्पल बनाऊँ। और ये ड्रॉ हो चुका है मेरा पैटर्न। हम बिना किसी फ्रेम के पेंटिंग कर रहे हैं तो हम नीचे ये वाला पॉलिथीन यूज़ करेंगे ताकि पेंट नीचे ना जाए। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। फ्लैट ब्रश को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे पानी में डिप करके हल्का सा पोंछ लेंगे। उसके बाद मैं ये एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, इसे हम मैं अलग से एक कंटेनर में लूँगी और कुछ ड्रॉप्स मीडियम के डालूँगी ताकि मैं इसे पतला कर सकूँ। उसके बाद मैं इसे डायरेक्टली फैब्रिक पर यूज़ करूँगी। अब मैं कलर को स्ट्रोक्स में पेटल्स में फिल करती जाऊंगी। हमें थोड़ा ही कलर मिक्स करना है क्योंकि अब हम फैंस और एसी यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कलर फटाफट सूख जाता है। उसके बाद मैं वाइट कलर लूँगी और इसे अच्छे से एक जगह पर जहाँ मुझे शेडिंग देनी है वहाँ मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से हमें इसे इसके अंदर पेटल के अंदर मर्ज कर देना है ताकि कुछ भी हमें अलग सा ना लगे, कुछ भी ओड ना लगे। अब मैं फ्लैट ब्रश पर वाइट कलर लूँगी और उससे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही मैं फ्लावर्स बनाऊँगी। मैंने सोशल मीडिया और पिंटरेस्ट पे बहुत सारे पैटर्न्स देखे थे लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे सिर्फ ये ही अच्छा लगा था। उसके बाद मैं ये ब्रश ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं वाइट और येलो कलर को ऐसे ही डिप करूँगी। मेरे पास ये कलर्स बहुत थोड़े थे इस वजह से मैं डायरेक्टली बोतल से ले रही थी, लेकिन मैं आपको बोलूँगी आप डायरेक्टली बोतल में से कभी भी ना लें। उसके बाद मैंने अगेन फ्लैट ब्रश लिया और इस फ्लावर के लीव्स बनाने के लिए मैंने इस फ्लैट ब्रश को मैंने हल्का सा दबाया फिर एकदम से उठा लिया। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। मुझे ये बनाना बहुत ही ईजी लगा और ये एक स्ट्रोक में ही लीव बन जाती है। उसके बाद मैं पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इसी तरह से पेंट कर लूँगी। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ, जब भी हमें पेंट को यूज़ करना है तो बोतल को उल्टा करना है, जो कलर उसके ढक्कन में आ जाएगा हमें वो यूज़ करना है, जिससे दो फायदे होंगे, हमारा कलर कम से कम यूज़ होगा और इससे कलर सूखेगा भी नहीं। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन बनाने की कोशिश की थी जो कि मैं भूल गई बनानी। उसके बाद मुझे यहाँ ग्रीन लीव्स ड्रॉ करनी थी, उसके लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है और येलो और ब्लैक से शेडिंग की है। इसमें ये प्रॉब्लम थी क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन कलर का कपड़ा था तो ग्रीन कलर इसमें शो ही नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे येलो और ब्लैक से शेडिंग देनी पड़ी जिस वजह से ये थोड़ा सा उभर के आई। लीव्स के एजेस में मैंने ब्लैक कलर लगाया है और उसके बाद क्लीन ब्रश के साथ मैंने अच्छे से इसमें ब्लेंड कर दिया है ताकि कुछ भी अजीब ना लगे। उसके बाद मैं छोटे छोटे से पेटल्स ड्रॉ करूँगी, छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ करूँगी सॉरी येलो कलर से, जिससे कि ये और भी ज़्यादा एनहेंस लगे। रैंडम लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैंने इस तरह से स्मॉल फिंगर को नीचे रखा और ब्रश को राउंड ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैंने सारी लाइंस ड्रॉ की हैं। सारे स्ट्रोक्स सारी लाइंस मैंने इसी टेक्निक से ही ड्रॉ की हैं। उसके बाद मैं इस फ्लावर के ऊपर रेड डॉट्स लगा दूँगी जिससे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये थी मेरी आज की वीडियो और प्लीज़ बताएं आपको कैसा लगा। ये सूट मेरी मम्मा का था, बताना आपको कैसा लगा उनके ऊपर। थैंक यू।